कैपिटल न्यूज। माशरे की खामियों को सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं सैयद उस्मान अली, कैपिटल न्यूज, हैदराबाद। पहाड़ी शरीफ की आवाम ने पंचायती इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक बार फिर पहाड़ी शरीफ की आवाम ने पंचायत इलेक्शन की जबरदस्त मुखालिफत कर दी और उन्होंने हुकूमत तेलंगाना से पुरजोर अपील की है कि पहाड़ी शरीफ के इलाके में हरगिज पंचायत इलेक्शन न हो, क्योंकि जब भी पंचायत इलेक्शन के नुमाइंदे मुंतखब होकर आते हैं तब तब पहाड़ी शरीफ की तरक्याती कामों में रुकावट का सबब बनते हैं। पहाड़ी शरीफ की आवाम का ख्याल है कि पहाड़ी शरीफ के तरक्याती काम सिर्फ म्युनिसिपल अंजाम दे सकती हैं, और इस सिलसिले में आवाम ने यह भी कहा है कि इसके बावजूद भी अगर इलेक्शन होगा तो वहाँ की आवाम उसका मुकम्मल बायकॉट करेगी। एम ए हमीद के साथ मैं सैयद उस्मान अली, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। राजीव गांधी नगर से बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ सरपंच इलेक्शन हो रहे हैं जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को म्युनिसिपल में रहने का है। यहाँ पे ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, खंबे नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, रोड की फैसिलिटी नहीं है, पानी की फैसिलिटी नहीं है। थोड़े दिन से म्युनिसिपल रहने से यहाँ पे बहुत आसानी हुई हम लोग को, घरों तक आके झाड़ू मारने वाले आए। हम लोग TRS KCR साहब से और KTR साहब से रिक्वेस्ट करें कि हम लोग को म्युनिसिपल में रखिए। प्लीज़ आपसे फिर से गुजारिश है कि हम लोग को उसमें पंचायत ऑफिस में सरपंच के इलेक्शन में डालिए ही मत। मैं मोहम्मद अकरम, राजीव गांधी नगर से पहाड़ी शरीफ से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मसाइल है वो ज़्यादा है बनिस्बत अब बल्लिया में आने से, कुछ कम हुए हैं हमारे मसाइल। अब उम्मीद ये करते हैं कि बल्लिया में ये एरिया हमारा पहाड़ी शरीफ राजीव गांधी नगर बरकरार रहे, और हमारी और हमारे आवाम की यही ख्वाहिश है कि बल्लिया में ही बरकरार रहे तो बेहतर है, हमारे मसाइल ज़्यादा से ज़्यादा हल हो सकते। जो पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होने वाला है तो नहीं हुआ तो बेहतर है, और पंचायत में नहीं रहा तो बहुत अच्छे हैं। इससे पहले भी जो पंचायत में था उससे कोई मसाइल हल नहीं हुए हमारे, पानी के हो, लाइट के हो, ड्रेनेज के हो, रोड के हो, अभी तक वो मसाइल बरकरार है। वैसी जेब के क्यों है उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि पंचायत म्युनिसिपल में आने अब से आपके रहते हुए भी बल्लिया म्युनिसिपल में आ गया तो बहुत अच्छा है हमारे। जब से कुछ डेवलपमेंट हुए आपको म्युनिसिपल में होने के बाद से, जब से कुछ डेवलपमेंट हुए आपको म्युनिसिपल म्युनिसिपल में होने के बाद हुआ है डेवलपमेंट हुआ है, उससे पहले कुछ भी डेवलपमेंट नहीं था। अब उम्मीद करते हैं कि और कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। मैं मोहम्मद अब्दुल खालिद, पहाड़ी शरीफ, राजीव गांधी नगर से कह रहा हूँ कि सुनने में आया कि पंचायत इलेक्शन होने वाले हैं, पंचायत इलेक्शन नहीं चाहिए। साबिर अली साहब से हमको ये उम्मीद है कि आइंदा भी हमको यहाँ पर डेवलपमेंट आया है और आएगा, उनके जानिब से हमको पंचायत इलेक्शन चाहिए नहीं, म्युनिसिपॉली हमको चाहिए ताकि हम यहाँ पर राजीव गांधी नगर में डेवलपमेंट आए। और यहाँ पर 15 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं आया पंचायत की तरफ से, पंचायत तो चाहिए नहीं हमको, म्युनिसिपॉली चाहिए। साबिर अली साहब से हमको ये उम्मीद है कि वो कुछ करे हैं, और आइंदा भी हमको पूरे लोगों से यही उम्मीद है कि वो कुछ करेंगे इंशाल्लाह। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।